హైదరాబాద్ రాంబాబు ప్రెసెంటేషన్ రాంబాబు ये फोटो में भी आता इधर सामने बहुत फीट आता इस साल भी एग्जीबिशन के अंदर हमारे खादी बोर्ड की जानिब से नुमाइश के अंदर हिस्सा लिया गया है और हमारे खादी के कई यूनिट्स हमारी एग्जीबिशन के अंदर उनके कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैं समझता हूं कि हैदराबाद के अंदर जब से यह सनती नुमाइश का आगाज़ हुआ और इसकी शुरुआत जब से हुई है तभी से हमारी खादी बोर्ड की स्टॉल लगाई जा रही है जिसमें हमारे खादी बोर्ड के बेनिफिशरीज जिन्होंने हमारे खादी बोर्ड से फ़ायदा उठाया है उनकी तैयार करदा चीज़ें और उनकी मसनूआत यहाँ पर फरोख्त के लिए दस्तियाब हैं। मैं नुमाइश आने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खादी बोर्ड की इन तैयार करदा चीज़ों को ज़रूर लें और इससे फ़ायदा उठाएं। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जो हैंडमेड हाथ की बनी हुई चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हाथ से बनी हुई चीज़ें कम से कम मिलेंगी और मशीन से तैयार करदा चीज़ें ज़्यादा मिलने वाली है तो हाथ से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बहुत सी फ़ायदा बख्श चीज़ें जो सेहत के लिए भी बेहतर होती हैं वो आज की हमारी इस स्टॉल के अंदर जो है फरोख्त के लिए दस्तियाब हैं। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो नुमाइश जब भी आएँ हमारी खादी बोर्ड की इन मसनूआत से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तेलंगाना राष्ट्र खादी बोर्ड परिश्रम मंडली ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో నుమాయిస్లో 20 స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయడం పడింది. రాష్ట్ర మొత్తంలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమల గురించి వీళ్ళని సేకరించి ఇక్కడ ఒకే పాయింట్లో ఖాదీ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ అమ్మకానికి పెట్టడం జరిగింది. ఇది 45 రోజులు జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన సందర్శకులు అందరూ ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఖాదీ ప్రోడక్ట్స్ చూసి దర్శించి వాటిని కొనవేసేసి వీళ్ళని మా ఖాదీ బోర్డు పరిశ్రమ పెట్టిన వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేయవలసి కోరుతున్నాను.